नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे BHU 2020 में पूछे गए एग्रीकल्चर सेक्शन के क्वेश्चंस की। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, गेहूँ के दाने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो प्रोटीन परसेंटेज पूछा है व्हीट में, तो ये जो है 9 से 13% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी फसल मृदा में वायुमंडल नाइट्रोजन को बढ़ाती है, फॉलोइंग क्रॉप हेल्प फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉयल। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम गलत है, ये तीनों जो है इसमें जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। इसमें एजाइटोबैक्टर तीनों में पाया जाता है, इसमें बीजे भी पाया जाता है, एजोला भी पाया जाता है राइस में, तो ये सब तीनों करती हैं। बट ये राजमा क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है इन सॉयल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए था, कौन निम्न में कौन सी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है, तो यहाँ पर राजमा सही हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह पूछा गया है कोरिलेशन कोफिशियंट का रेंज पूछा गया है, सहसंबंध गुणांक का संबंध, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट में, पूषा नन्हा किसकी प्रजाति है, पूषा नन्हा किसकी प्रजाति है, पपीते की है, 1.525 जो है 1.5 ये डिस्टेंस रखता है, ये किचन गार्डन के लिए सबसे उपयुक्त जो है वैरायटी है। कौन सी हरी खाद के लिए, इसमें देखिए 155 जो क्वेश्चंस था, कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती है, तो ढैंचा जो है हरी खाद के लिए प्रयोग किया जाता है, सस्मेनिया रोस्टाटा इसका साइंटिफिक नेम है। निम्न आगे का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 156 क्वेश्चन है, कौन सी सूक्ष्म तत्व सरसों, कौन सा सूक्ष्म तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोग होता है, तो ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका, ICAR का क्वेश्चन पेपर आने वाला, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमेशा जो है BHU पूछता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए पूछा गया है कि क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए क्या म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जीन फॉर जीन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जीन फॉर जीन के लिए फ्लोर, इसमें दूसरा ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, DUS डस्ट टेस्ट हैज बिन स्टार्टेड फॉर टेस्टिंग, डस्ट टेस्ट जो है किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्रॉप वराइटीज के लिए जो है यूज शुरू किया गया था, ठीक है। फिर है ओपन पॉलिनेशन टेक प्लेस, ओपन पॉलिनेशन जो है टेक प्लेस पूछा गया है, किस फसल में परागण होता है, पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन पूछा गया है हिंदी में। तो यहाँ पर जो क्रॉस पॉलिनेशन है, ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ये तीनों जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हैं, ठीक है। आगे चल के हम देखते हैं, आगे है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, ये आपका सही है तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी फसल हल्की मृदा हेतु उपयुक्त है, हल्की मृदा मतलब जो है लाइट सॉइल पूछा गया है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है सुटेबल फॉर लाइट सॉइल, तो जो भी हमारी जो है जड़ वाली फसलें होती हैं वो लाइट सॉइल के लिए, चाहे हम आलू की दृष्टि से देखें, चाहे ग्राउंडनट की दृष्टि से देखें, चाहे अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मूली की, गाजर की, तो इनमें अगर लाइट है तो इनका जो विकास होता है, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आगे पूछा गया है, DAP में फॉस्फोरस किस रूप में पाया जाता है, DAP में फॉस्फोरस किस रूप में पाया जाता है, तो DAP में जो फॉस्फोरस है फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लगता है मैंने ये गोला नहीं किया था, यहाँ पर जो ऊपर वाला था हल्की लाइट सॉइल के लिए, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, मूँगफली हो जाएगी, जमीन के नीचे होती है, तो हल्की मृदा होगी तो बढ़वार अच्छी होगी, और DAP में फॉस्फोरस का आपका फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, ये सही हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं, उचित परिभाषित केंद्र पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज फाउंड, उचित परिभाषित केंद्रक पाया जाता है, ये पूछा गया है, तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। देखिए हम आपसे ये बता रहे हैं कि बॉटनी जो है, बॉटनी चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे जो है जेनेटिक्स हो, चाहे जो है
आपका इकोलॉजी हो, इको सिस्टम हो, ये आपका BHU और SAR में 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो एग्रीकल्चर में ये हमेशा जो रहेंगे, तो जो भी बच्चे ICR का पेपर देने के लिए जा रहे हैं UG का, वो विशेष ध्यान देंगे कि बॉटनी एक बार जो है ज़रूर पढ़ के जाएंगे, वो फिजियोलॉजी हो चाहे जो है जेनेटिक्स हो, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे, कोचिंग संस्थान में सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? धान में खैरा रोग, ये तो मतलब हर साल आना है, इसको तो सब लोग जानते हैं, जिंक की कमी से। साथ ही साथ एक और बात बता दें, जो भी बच्चे जो है ICR का पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए जो है कोचिंग संस्थान से जो है हमारा एक एप्लीकेशन है, उस पर जो है डेली जो है टेस्ट चलता है, उसको जो है आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी जो सर्च करिए, वहाँ से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमारे पास हमारा नंबर है 9919595324, ठीक है, 9919595324, इस पर जो है कॉल करके और या फिर जो है सबसे अच्छा है मैसेज कर दिए, सर ये मेरा नंबर है, इस नंबर से हमने जो है लॉगिन किया है और हमको टेस्ट ज्वाइन करना है ICR का, तो आप हमें ICAR का टेस्ट ज्वाइन करना है, इसको आप बता दीजिए, हम आपको है उसमें ऐड कर देंगे। उसमें डेली जो है 50 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर के मिलते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे ICR की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो ये बिल्कुल फ्री है, ये सबसे देखिए बिल्कुल फ्री, हमने तो बहुत सारी जो है पेड क्लासेस चलाई हैं, तो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, ये बिल्कुल फ्री है, तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है? तो मतलब जो है ट्रांसपोर्ट पूछा गया है थ्रो जो है किसका था, फूड प्रोडक्ट बाय लीव आर ट्रांसपोर्टेड थ्रो, किसके द्वारा जो है भेजा जाता है? तो जो जल का होता है जाइलम से और फल का एक तरीके से होता है क्या, फ्लोएम से, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा ये फ्लोएम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया निम्न में कौन फलों को पकाने का, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल क्वेश्चन है ये, कौन फलों को पकाने का काम किया जाता है? तो एथिलीन क्या होता है, ये फलों को पकाने के काम किया जाता है, यहाँ पर एस्टिक एसिड है, यहाँ पर एसिटिलीन कभी कभी आता है, एसिटिलीन भी यूज होता है लेकिन कम मात्रा में यूज होता है, ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही होगा आपका चौथा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गोल्डन राइस इज नोन एज, गोल्डन राइस में नोन एज, इसमें जो है पिटूनिया नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसमें विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की, म्यूटेशन उत्परिवर्तन प्रायः कैसा होता है? उत्परिवर्तन प्रायः कैसा होता है? रिसेसिव एंड हार्मफुल होता है, कैसा होता है? रिसेसिव एंड अप्रभावी एंड नुकसान देह होता है। ठीक है, फिर जेनेटिक्स का क्वेश्चन था, मैंने बताया कि हर जगह आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आप लोग जो है बॉटनी जरूर पढ़ कर जाइएगा ICR के पेपर में। फिर फूल गोभी में भूरापन ब्राउनिंग पूछा गया कि किस कमी को होता है? ब्राउनिंग सिम्टम्स कॉलीफ्लावर ड्यू टू डिफिशियंसी, किसकी कमी के कारण होता है? तो ब्राउनिंग जो है बोरॉन की कमी होता है, मॉलिब्डेनम से विप्टेल होता है, तो इसको आप लोग नहीं मारिएगा, यहाँ पर ब्राउनिंग सही होगा। फिर है टिड्डा, फिर आपका है टिड्डा किस ऑर्डर का कीट है? टिड्डा का जो है ऑर्डर पूछा है, ठीक है, किस ऑर्डर का कीट है? तो ये आर्थोपटेरा का कीट है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्लूकोज में ऑक्सीजन के साइट्रिक एसिड चक्र के दौरान कितने ATP नेट प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो ऑक्सीजन के दौरान जो है साइट्रिक एसिड चक्र में कितने ATP प्राप्त होते हैं, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा गया, इसमें जो सही होगा 24 दूसरा ऑप्शन जो है आपका क्या होगा सही होगा। फिर उसके बाद से जब एक कोशिका हाइपोटोनिक विलयन में जाती है तो इसका आकार, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन इट्स साइज, इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार बढ़ता है घटता है ये पूछा गया है, तो इसका आकार क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पूछा गया है गाय के दुग्ध में पीलापन किसके कारण होता है? गाय के दुग्ध में पीलापन जो होता है कैरोटीन के कारण होता है, सफ़ेद जो होता है किसी के दूध में, भैंस के दूध में पूछता है सफ़ेदपन क्यों होता है, तो वो केसिन होता है। ठीक है, वो क्या होता है? केसिन होता है। ठीक, फिर उसके बाद SRI, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ICR में भी पूछा जाएगा, इसको ध्यान दे लीजिएगा। ICR कल्टीवेशन किससे संबंधित? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये एक
पौधे लगाने की विधि है, नर्सरी तैयार करने की विधि है, राई से संबंधित है, SRI किससे संबंधित है, SRI किससे संबंधित है, तो राई से संबंधित है। फिर है, फिर उसके बाद से हम बात करते हैं संकर धान की बीज दर कितनी होती है। संकर धान की बीज दर जो है 12 से 15 होती है, ठीक है। ये हो गया सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस, ये पूछा गया है आपका। फिर उसके बाद से क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ध्यान से पढ़ेगा। निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशी अभिक्रिया के स्वांगीकरण क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है। एक बार इंग्लिश में इसको कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एसिमिलेटरी पावर ऑफ डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, ATP और NADPH, ये आपका सही हो जाएगा। 170 का 178 हम लोग देख लेते हैं। पौधों में जिंक की उपलब्धता किस pH पर अधिक समय समस्या होती है, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, पौधों में जिंक की उपलब्धता किस pH पर अधिक समस्या हो जाती है, ठीक है। मतलब किस pH पर जो है जिंक जो है आपको नहीं मिलता है या समस्या होती है। तो जो भी हमारी जो है तराई क्षेत्र हैं वहाँ पर जिंक की कमी पाई जाती है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 5.5, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं सरसों की बुआई का सर्वोत्तम समय पूछा है। सरसों की बुआई का सर्वोत्तम समय, तो जो बुआई का जो सर्वोत्तम समय क्या है, अक्टूबर है, ठीक है। फिर पूछा गया है चिकनी मिट्टी का व्यास क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है, ठीक है। तो क्ले पार्टिकल का डायमीटर पूछा है, यहाँ पर क्या होगा लेस देन 2 mm, 0.002 mm, तो ये पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे देख लेते हैं येलो लीफ कर्ल पूछा गया है। येलो लीफ कर्ल जो होता है टमाटो ट्रांसमिटेड बाय किससे जो है ट्रांसफ़र होता है, हिंदी में इसको देख लेते हैं। टमाटर में येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो लीफ कर्ल किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो वाइट फ्लाई के द्वारा, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं बीटल पूछा गया, बीटल किस ऑर्डर का है, तो बीटल जो है हमारा किस ऑर्डर का है, ये कोलियोप्टेरा का है, पहला ऑप्शन आपका सही है। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं टर्गर कोशिका मेंटेनिंग के लिए उत्तरदायी तत्व, तो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन है टर्गर कोशिका मेंटेनिंग के लिए उत्तरदायी तत्व है, मेंटेनिंग के लिए सेंटर तत्व है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा के, पोटेशियम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, के हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं केंद्रीय एक मार्गी, बहुत पूछा जाता है ये, इन्हीं एग्जामों में पूछा जाता है, स्टेट एग्रीकल्चर में सब नहीं पूछा जाता है, ICRBHU में एक मार्क जरूर पूछा जाता है। एक मार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है, एक मार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये नागपुर में है, ठीक है। फिर हम उसके बाद से बात करते हैं ओलरीकल्चर इज रिलेटेड टू, ओलरीकल्चर किस से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ओलरीकल्चर किस संबंधित है, सब्जी से संबंधित है, ठीक है। सब्जी वेजिटेबल से, फ्लोरिकल्चर फ्लावर से होता है, ठीक है, पोमोलॉजी फल से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा है कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पाद संलग्न एवं सम्मोहन का कार्य करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद से जो है मवेशी में एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, एंथ्रेक्स पूछा है डिजीज कास्ड बाई, ठीक है ना, तो एंथ्रेक्स डिजीज जो है किसके द्वारा होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से है निम्न में कौन सा हल डिस्क एंगल है, तो वो कुल मिला के डिस्क एंगल का एंगल पूछा है कितना होगा, तो अगर इसकी ये अगर आपको पता है तो पता चलेगा इसमें 42 to 45, ये आपका डिस्क एंगल होता है 42 to 45 अंश, ठीक है। फिर उसके बाद से था यूरिया को लगातार प्रयोग से मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पर एसिडिक हो जाती है, सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। फिर हम बात करते हैं येलो कलर में टर्मरिक इज कास्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति का कारण क्या है, यहाँ पर जो है कुरकुमिन है, ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चन हैं उनके में, इंटरक्रॉपिंग क्या है, इसमें जो तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इंटरक्रॉपिंग दो या दो से अधिक फलों को निश्चित पंक्ति में उगाना, दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित मतलब स्पेसिंग जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित हाइब्रिड
कौन सी है, नीलम और अफलांशु के विकसित हाइब्रिड किस्म कौन सी है, तो ये आपका रत्ना है। कौन सा है, रत्ना है, रत्ना है, हिंदी में पढ़ते हैं रत्ना, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं मक्के में सफ़ेद कली किसकी कमी के कारण होता है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वाइट बर्ड इन मेज कास्ट ड्यू टू द डिफिशियंसी, आप जो है सफ़ेद कल का रोग होता है मक्के में किस तत्व की कमी से होता है, तो ये बहुत पढ़ाया जाता है क्लास में एकदम जो है बहुत अच्छे से, सब लड़के सभी लड़कों को पता भी होता है ये जिंक की कमी से होता है। ठीक है, फिर है पर्ण आवेदक के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक कौन सा है, सबसे क्या है पर्ण आवेदक के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक कौन सा है, तो यूरिया जो है हरेपन के लिए सबसे ज़्यादा, देखिए हर अगर जो है फसल को हरा भरा करना है तो हम यूरिया का छिड़काव करते हैं, फसल की मैच्योरिटी इससे बढ़ जाती है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो है ये बढ़ जाती है, अगर हम फास्फोरस और पोटास का करते हैं तो उसकी जो मैच्योरिटी का ड्यूरेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता, सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो डी देखिए चंदन रूट ये सही है, आपका कसकुटा ये सही है, आर्किड इपीफाइटिक ये सही है, निपिन थीज जो होता है ये किटबच्छी पौधा होता है, यहाँ पर हाइड्रोफाइट बोला है ये गलत है। ठीक है, अब जो है चार पांच क्वेश्चन और हैं उनको देख लेते हैं। मांस या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने के व्यवसाय को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मांस या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने के व्यवसाय को जाना जाता है, तो नाम पूछा है किस नाम से जाना जाता है, तो क्या है आपका रेंचिंग के नाम से जानता है, रेंचिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण फफूंद है, वाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण फफूंद है, ये किसका है, वाइट रस्ट का सबसे ज़्यादा प्रकोप जो होता है मस्टर्ड में होता है, यहाँ पर यही सही होगा, हमने लिख भी रखा पहले से। फिर उसके बाद से वनस्पतिक रूप से अनानास क्या है, वनस्पतिक रूप से अनानास क्या है, तो ये अनानास जो होता है वो आपका होता है सोरोसिस होता है, इसको ध्यान दीजिए, बेरी पोम ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। भेड़ का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है, 310 दिन का, ये हमारे पास कल जो है बच्चों क्वेश्चन पेपर देने जाए सर क्या क्वेश्चन आएगा, तो मैंने कहा भैंस गाय का जो गर्भकाल याद कर लेना आएगा, देखिए अभी क्या बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये 100% आती हैं, अगर बता दिया जाए कि एग्रीकल्चर में आपको जो है BHU में कम से कम जो है कोचिंग नोट से 45 क्वेश्चन जो हमेशा हर साल 45 एक क्वेश्चन कम ज़्यादा नहीं होगा इससे। ठीक है, फिर उसके बाद से क्वेश्चन है फोटो रिस्पायरेशन इज इनहिबिटेड बाई, ये फोटो रिस्पायरेशन किसके द्वारा रुकता है, तो ये जो है आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, CMU, ये आपका CMU एंड जो है DCMU द्वारा जो है रोका जाता है। जो भी चीज़ें जो है मैं जानता हूँ कि सब लोग जो है अच्छे से देखे होंगे क्वेश्चन को, अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में, अगर कोई क्वेश्चन गलत निकलता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। फिलहाल में मुझे लगता है कि इससे अच्छा जो है एक्सप्लेन और जो है ये सब कोई नहीं कर सकता, साथ साथ में पूरी जानकारी इसमें जो है दी गई है, और भी अगर मेंटल एबिलिटी के लिए आता है या जो है केमिस्ट्री के लिए अगर क्वेरी आती है तो उसके भी वीडियो जो है बनाए जाएंगे। जिन बच्चों को कोई समस्या होती है तो 9919595324 पर जो है कॉल कर सकते हैं, और फिर नंबर देख लीजिए 9919595324 9919595324, इसको अगर जो भी ICR के लिए टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट बिल्कुल फ्री है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो के लिए थैंक यू, धन्यवाद।